इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एंटी और मैं आपके साथ राधा। इस वक्त अपडेट की बात करें तो मध्यप्रदेश में आगामी दिनों में होने वाले पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। जी हां, राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि जल्द मतगणना स्थल एवं स्ट्रॉन्ग रूम का चयन करें और चयनित स्थल में आवश्यक व्यवस्थाएं कर आयोग को अवगत कराएं। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयोग में हुई बैठक में पंचायत निर्वाचन के लिए छपने वाले मतपत्रों के लिए कागज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए समय पर मतपत्र मुद्रण की सुनियोजित कार्य योजना बना ले। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में मतपत्र मुद्रण के लिए लगभग 575 टन कागज की आवश्यकता होगी। मानदेय और अन्य सामग्रियों के लिए जिलों को जरूरत अनुसार बजट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव राजस्व मनीष रस्तोगी ने कहा कि पंच, सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के लिए मतपत्रों की छपाई के लिए समय पर निर्धारित कलर के पेपर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। 8 प्रकार के लिफाफों का मुद्रण भी समय सीमा में कर लिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने सभी कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पंचायत तथा नगरीय निकायों के निर्वाचन के लिए तत्काल पृथक मतगणना स्थल एवं अस्थायी स्ट्रॉन्ग रूम का चयन करें और चयनित स्थल में आवश्यक व्यवस्थाएं कर आयोग को अवगत कराएं। बता दें कि पंचायतों के निर्वाचन मतपेटी में मत डालकर तथा नगरीय निकाय के निर्वाचन ईवीएम के द्वारा किया जाएगा। ये था आप तक अपडेट। लगातार जानकारी के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एंटी के साथ। जय हिंद, जय भारत।